अगर इंसानों की उत्पत्ति बंदरों से हुई है तो बाकी बच्चे बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाए, उनके साथ इतना भेदभाव क्यों हुआ कि जिस कारण आज भी वे पेड़ पर रहते हैं। चलिए जानते हैं वे इंसान क्यों नहीं बन पाए। करोड़ों साल पहले बंदर पेड़ पर रहा करते थे, लेकिन कुछ बंदरों ने सोचा कि चलो यार पेड़ से उतर कर धरती पर जाते हैं, वही खाने की खोज करेंगे। फिर उन्होंने पैर से चलना शुरू कर दिया, बिल्कुल आज के इंसानों की तरह। जिन बंदरों ने पेड़ों पर रहना ठीक समझा वो आज भी हाथ पैर से चलते हैं और उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। लेकिन अभी भी जमीन वाले बंदर के हाथ बड़े थे, वे आज के इंसानों की तरह नहीं थे। पर वे इसलिए नहीं थे कि वे हाथों से पेड़ों पर लटक लटक कर भागते थे। जब वे पेड़ों से जमीन पर शिफ्ट हो गए तो उन्होंने हाथों का यूज नहीं किया, इस कारण उनके हाथ धीरे धीरे छोटे हो गए। लेकिन फिर उनका सिर अलग कैसे हुआ? आज के इंसानों जैसा नहीं था, वे अलग ऐसे हुआ कि जमीन वाले बंदर ने अलग अलग एक्टिविटी की जिसके कारण उनका दिमाग ज्यादा यूज होने लगा, इस कारण उसके स्किल में बदलाव होने लगे। ये बदलाव इतना धीरे धीरे हुआ कि उनमें करोड़ों साल लगे। फिर वे धीरे इंसान बन गए।